सत श्रीकाल जी सारे सोशल मीडिया के माध्यम राही जुड़े हुए सारे स्रोतों का मेरे मेरी टीम में स्वागत है जी। दोस्तों अच्छ गल कर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा बारे, किहड़े स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा मिलेगा, किहड़े स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा नहीं मिलेगा। दोस्तों जो तुम अपनी प्लस टू पास की हुई है 2018 के 2019 या 2020 स्टडी वीजे के एलिजिबल हो, तुम आईलैट्स की हुई या पी टी पास की हुई है तो 6 ओवरऑल 5.1 मॉड्यूल बैंड आ चुके हैं तो तुम स्टडी वीजे के एलिजिबल हो। दोस्तों जो पिछले लंबे समय तो स्टूडेंट अपना वीजा अपलाई करने बारे सोच रहे थे वेट कर रहे थे तो वो स्टूडेंट हम अपना स्टडी वीजा अपलाई कर लें क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने स्टडी वीजे देने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों जो तुम अपना स्टडी वीजा अपलाई करना जाना चाहते हो तो असैसमेंट लैवल 1 की यूनिवर्सिटी अपना स्टडी वीजा अपलाई करो, फिर ही तुहाडे वीजे चांसिस हाई होंगे। जे तुम कोई कॉलेज लैके चलते हो या डिप्लोमा लैके चलते हो, एडवांस डिप्लोमा लैके चलते हो तो तुहाडे वीजे के चांसिस बहुत घट हैं। सो जो स्टूडेंट अपना वीजा अपलाई करने बारे सोच रहे हैं 6 ओवरऑल 5.1 मॉड्यूल जो थोड़े है तो वीजा अपलाई करो, असैसमेंट लैवल 1 की यूनिवर्सिटी अपना केस अपलाई करो। असैसमेंट लैवल 1 की यूनिवर्सिटी 6 ईच की रिक्वायरमेंट रखदियां ने, बट कुछ यूनिवर्सिटियां लैवल 1 दी है जो 6 ओवरऑल 5.1 मॉड्यूल एक्सैप्ट कर लेंगे। जेकर तुम अपना स्पाउस वीजा लगाने बारे सोच रहे हो तो घट्टो घट ग्रैजुएट होना जरूरी चाहिए हो, ग्रैजुएशन तो बिना सीयू की अपरूवल लेनी बहुत मुश्किल हो जाती। जेकर तुहाडी स्टडी विच गैप पै चुका 4 साल का 5 साल का तुम फिर भी अपना स्टडी भी अपलाई कर सकते हो, बट गैप की जस्टिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। तुम जॉब की किसी कितने एडमिशन ली हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स नाल रख के तुम अपना वीजा अपलाई कर सकते हो। जेकर तुहाडी परसेंटेज 60% तो उपर आता फिर ही अपना स्टडी भी अपलाई कर सकते हो। जेकर कई स्टूडेंट की परसेंटेज 60% तो घट आ तो वो रिफ्यूजल के चांसिस थोड़े हाई हो जाते तो वो बच्चे का वीजा कटना बहुत मुश्किल हो जाता। वधेरे जानकारी साडे ऑफिस में विजिट करो, साडे पैनल के दिए हुए नंबर पर संपर्क करो, असीं तुहाडे फाइल की चंगी तरह असैसमेंट करन के बाद तुहाडा ऑफर लैटर अपलाई करांगे ते तुहानूं स्टूडेंट वीजा हासिल करवा के देवांगे जी। धन्यवाद जी।